बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता एवं प्रदेश महासचिव आशीष ठाकुर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरलोग में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सेफ्टी गाउन वितरित किए। युवा नेता ने कहा कि उन्होंने श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर से निवेदन किया था कि वे अपने क्षेत्र में कोरोना योद्धाओं को सेफ्टी गाउन वितरित करना चाहते हैं। युवा नेता के निवेदन पर विधायक ने तुरंत प्रभाव से सेफ्टी गाउन मुहैया करवाए। आशीष ठाकुर ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अरुण, स्टाफ नर्स प्रेमलता, फार्मिस्ट राजेंद्र, लैब टेक्नीशियन के चंदेल सहित अन्य लोगों को ये वितरित किए। इस मौके पर युवा नेता ने कहा कि वैश्विक महामारी जिस तरह देवभूमि में अपने पांव पसार रही है, ये गहन चिंता का विषय है। आशीष ठाकुर ने कहा कि चिकित्सा विभाग के लोग दिन रात जनता की सेवा में लगे हैं, पर सरकार और विभाग उनकी अनदेखी कर रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग करते हुए कहा कि बॉर्डर पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को दिन रात बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच जो कर रहे हैं, उन्हें पीपीई किट मुहैया करवाई जाए। साथ ही आशीष ठाकुर ने जनता से अपील की कि वे घरों में रहकर सरकार के दिशा निर्देशों का भी पालन करें। मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेता और प्रदेश महासचिव कार्यरत हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, कोरोना वैश्विक महामारी है। आज पूरे विश्व के साथ साथ भारतवर्ष में और साथ के साथ हमारी देवभूमि हिमाचल में भी अपने पांव पसार चुकी है। आए दिन कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन देवभूमि में बढ़ते ही जा रहे हैं। यह गंभीर चिंतनीय विषय है। आज हमने आदरणीय जो विधायक हैं श्री नैना देवी जी के, रामलाल ठाकुर जी, उनसे निवेदन किया कि हम जो हमारे करियम से उद्धार हैं, वहाँ जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके जो भी चिकित्सा विभाग के लोग हैं, उन तक हम जो सेफ्टी गाउन है वो देना चाहते हैं। तो आदरणीय रामलाल ठाकुर जी ने हमारे निवेदन पर हमें साथ के साथ ही सेफ्टी गाउन दे दिए। आज हमने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर लोग है, वहाँ पर सेफ्टी गाउन जो हमारे चिकित्सा विभाग के लोग हैं, जो रात दिन लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनमें वितरित किए। मैं आज मीडिया के माध्यम से जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो स्वारघाट क्वारंटीन सेंटर में जो हमारे क्षेत्र के एक युवक की मौत हुई है, उसकी आपने मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए हैं, तो कृपया करके उसकी जो भी जांच हो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ हो। और साथ में मैं मुख्यमंत्री जी आपसे मांग करना चाहता हूँ कि जो ये युवक है जिसकी मौत स्वारघाट क्वारंटीन सेंटर में हुई है, वह बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता है, तो उसके परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो जाए, उसके लिए आप प्रदेश सरकार और आप अपने लेवल पर उनको आर्थिक मदद पहुंचाएं, ताकि उसका परिवार अपनी ज़िंदगी जी सके। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।